कि आप लोगों ने अपना भरपूर समय दिया अपने संगठन को वार्षिक अधिवेशन पर उपस्थित होकर। साथियों, वार्षिक अधिवेशन जो एजीएम हो रहा है बहुत ही नियमबद्ध सुचारू रूप से हो रहा है। बहुत सारे मेरे साथियों ने जोनल पदों पर अपना दावा प्रस्तुत किया है और 10 मिनट से 15 मिनट के भीतर में चुनावी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जो साथी रायपुर और नागपुर मंडल के हैं जिनको खास गाड़ी पकड़कर है वो पहले अपना मतदान कर लेंगे। साथियों, इस मंच के माध्यम से आप सभी के बीच में कुछ बातें हैं जरूर करना चाहूंगा। आप सभी देखते हैं पिछला हम लोगों ने वैश्विक महामारी का समय गुजारा और वैश्विक महामारी में हमारे एसीसीआरटी रेगुलेटरी एसोसिएशन बिलासपुर जोन, मैं एक दावे के साथ आप लोगों के सामने करना चाहूंगा कि बिलासपुर जोन की क्या भारतीय रेल के समस्त जोनों में एसीसीआरटी ने अग्रिम पंक्ति पे आकर अपने ट्रैक मंडल की समस्या रेल प्रशासन के सामने रखने का काम किया। लगातार महामारी के दौरान जब आदमी एक दूसरे से मिलने बात करने के लिए कतराता था, उस दरमियान हम लोगों ने हमारे संगठन ने लगातार प्रशासन के सामने मुखर होने का काम किया, पत्राचार करने का काम किया, हर एक छोटी सी छोटी समस्या पर अपने साथी के कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होने का काम किया। इसमें आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप लोगों का भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद, समर्पण सब मिलता रहा संगठन। मैं पिछले 2 वर्ष पूर्व की बात करना चाहूंगा। कुछ साथियों ने कुछ पैसे को लेकर बात की, मेरे को अभी तक जो लगता है, हालांकि हर आदमी को मैंने पहले भी बोला है कि अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन मेरे को जो लगता है हमारा एसीसीआरटी से अच्छा संगठन, पाक साफ संगठन आप दुनिया के किसी कोने में लेंगे पहुंचिए आपको नहीं मिलेगा। यहाँ हर एक चीज का हिसाब किताब हुआ है। 2 साल पूर्व की बात करूंगा साथियों, एसीसीआरटी जो भारतीय रेल के इतिहास में ट्रेनों का पहला आवाज है, ये आर्थिक बदहाली, आर्थिक तंगाली से जूझ रहे थे। उस समय बहुत सारे लोग झोंकी उठाते हैं, वो एक शब्द बोलने की तो बात दूर है, इस दिशा में कोई काम करने नहीं जा रहे। मेरे को व्हाट्सएप पर चलचित्र वीडियो बनाकर भीख मांगना पड़ा कि एसीसीआरटीए का आर्थिक पतन तय है। उसके बाद संगठन में पैसे दिखे और पैसे दिखे तो लोग उंगली उठाना चले चालू कर दिए, कोई बोल रहे कि यहाँ से पैसे जा रहे। आज बताइए बिलासपुर जोन के एसीसीआरटीए के पैसे से एआईआरटीयू का अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें क्या एसीसीआरटीए के ट्रेनमैन को अलग की नजर रख दिया जा रहा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, 6 महीने 1 जनवरी से लेकर अगर आप 6वां महीना चल रहा है, 6वां महीना कंप्लीटिंग है, 20,000 रुपया अगर कहीं आने जाने में राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर या राष्ट्रीय पदाधिकारी के तौर पर अगर 20,000 रुपया या साल भर में 50,000 रुपया अगर खर्च हो जाता है और किसी ट्रैक में उसका लाभ मिलता है या उस ट्रैक में के लिए काम हो रहा है तो क्या वो गलत है? ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। लोग उंगली उठाने वाले हैं और वही है खबर मिल रहा है कि 25 से 30 फुट तक 2 साल से हिसाब नहीं दे रहे, कुछ और कहीं से पैसे आ रहे हैं उसको अपने पास रख लिए उसका हिसाब नहीं दे रहे। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि एसीसीआरटीए ट्रैक मेंटेनेंस एसोसिएशन ने हम लोगों का एबीसी को मुद्दों को लेकर माननीय गेट में हम लोगों ने केस दायर करने का काम किया और आपको बहुत खुशी होगा, आप लोगों को पता चल गया व्हाट्सएप के माध्यम से कि आगामी 10 जुलाई को हम लोगों का एनडीसी के जो गेट में जो केस लगा है उसका डिसीजन आने वाला है। इसके संबंध में अभी कुछ बातें नहीं हुई, मैं बोलना चाहूंगा हमारे ऊर्जावान साथी शुभम उपाध्याय कक्षाम का ऊर्जावान साथी हमारे मीडिया प्रभारी जो जिनके पोस्ट के लिए कोई नाम भी नहीं आया अभी तक, आपको यह भी बताना चाहूंगा इस दरमियान कि जो एसीसीआरटीए का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आज जो यूट्यूब ने हम लोगों को
जो यूट्यूब ने एससीईआरटी के जो ऑफिशियल चैनल को रजिस्टर किया उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे अमरेश यादव जी का है। एक अमरेश यादव जी के लिए तो एनबीसी के लिए टीम जो जुझारू साथी है 13,000 सब्सक्राइबर हो 13,000 सब्सक्राइबर है साथियों। ये तीन नौजवान साथियों का नाम बताया घनश्याम कर शुभम उपाध्याय अमरेश यादव इन तीनों के पास बिलासपुर मंडल का हम लोगों का एनडीसी का कुछ पैसा एनडीसी का जो गेट का जो फैसला हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हमको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा तो उस समय इन पैसों की जरूरत पड़ेगी तो इस पैसे कितना कितना पैसा आप लोगों के पास है इसके बारे में जानकारी प्रदान करने का आप लोग काम करेंगे। मैं सिर्फ पंक्ति में यह कहना चाहूंगा साथियों कि अगर कोई काम कर रहा है कुछ बढ़ चढ़ का काम कर रहा है तो उसका हाथ मजबूत करना चाहिए चाहे वो कोई भी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं व्यक्ति विशेष अपने लिए बोल रहा हूँ। जो भी साथी अपने पोस्ट पर ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है उस पोस्ट के साथ न्याय कर रहा है उसके साथ सहयोग करना चाहिए।